अब आपका सवाल अपना। हजूर, मैं पिछले दफा पूछ रहा था सूरत फातिहा के मुतालिक सवाल था। कुरान शरीफ में सूरत अल हजर में आयत नंबर 88 में आया है, वलकद आतैना सबन मिनल मसानी वल कुरान अजीम। हजूर, ये वाओ का लफ्ज डाला हुआ है, इसके मैंने तफसीर सगीर में ये हैं कि हमने यकीनन तुझे साथ दुराई जाने वाली आयात और बहुत बड़ी अजमत वाला कुरान दिया है। और लफ्ज से वो इसलिए कि कुरान करीम सूरह फातिहा नहीं, सूरह फातिहा की तशरीह है आगे सारी। तो है यही लफ्ज कहता हूँ, ये दिबाचा के तौर पे है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा दिबाचा कह लें जो मर्जी कह लें, मगर उमुल कुरान भी कहलाती है। यानी इसमें सारे कुरान करीम का खुलासा दर्ज है और कुरान उसकी तस्वीर या तस्वीर है। जी ठीक है जी। फिर हजरत, मैं ये पूछना चाहता था कि ये दिबाचा के तौर पे दिबाचा, फिर आपको ही लगे जी, आपको दिबाचा तो मैं समझ लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे शायद। मैंने जो समझाना था समझा दिया। जी जजाकल्ला सर। हजूर और इजाजत हो। ज़हूरे महदिये आखिर